दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गणित की, और गणित ही बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। बाकी जो वीडियो है आप लोग देखिएगा, प्ले स्टोर से जाकर देख सकते हैं। 2011 से 2020 तक अभी तक जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं सीटेट के, और उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसकी सीरीज बनाई है हम लोगों ने, और उसके प्रश्न मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। जिनको गणित बिल्कुल नहीं आता है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से समझाने वाला हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अच्छे से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में कि किसी पिज्जा का एक चौथाई भाग रेनू ने खा लिया, किसने खा लिया, रेनू ने खा लिया, और शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया, तो इनमें से प्रत्येक बच्चे को जो पिज्जा मिला है वो कितना मिला है। तो हम लोग को करना क्या है कि किसी पिज्जा का एक चौथाई भाग रेनू ने खा लिया, इस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो रेनू ने कितना खा लिया, मतलब एक पिज्जा था ना, तो रेनू ने कितना खा लिया भाई, रेनू ने खा लिया 1/4 भाग, सही है, इतना हम लोगों ने किया। यानी कि एक में से हम लोग घटा देंगे 1/4, इसको आप लोग माइनस कर लीजिएगा एक में से, क्योंकि खा लिया ना, तो ना 1 - 1/4। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका आप लोग देखिएगा, लैसे पे ले लेंगे 4, लैसे पे ले लिया आप लोगों ने 4, यहाँ पर हो जाएगा गाइस, यहाँ पर 4 - 1 यानी कि 3/4, 3/4 हो गया आपका, ये सही है। अब आपको बताना है कि ये 12 भागों में बांट दिया गया है, कितने भागों में गाइज, 12 भागों में बांट दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 की, यहीं पर हम लोग कर लेंगे, 12 × 4 = 48, 3/48 है ना। अब देखिए 3 से आप लोग काट के देखिएगा 48 को, 3 × 3 और 3 × 6 = 18, तो 16 आपका आंसर आया। कितना आया दोस्तों, 16 आप लोगों का आंसर आया, तो 1/16। तो देख लेते हैं 1/16 कहाँ है, पहला वाला ऑप्शन सही है। तो चुटकियों में आप लोग इस तरह से कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से, सही है ना, पहला ऑप्शन सही है, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लगभग हर साल पूछा जाता है ये वाला जो क्वेश्चन है, ये भी 2014 में पूछा गया था, 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं, इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग इसको सही भागों में डिवाइड कर लीजिएगा, 3 × 9 और 1 10/3, 10/3 इसमें कितने 1/6 हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है, कितने 1/6 हैं, तो इसको हम लोग रखेंगे इसके अपॉन में 1/6, ठीक है, 1/6 आपका हो गया, क्लियर। अब क्या कर लेना हम लोगों को, कुछ नहीं करना, अब हमको कर लेना है 10/3 × 6/1, ये आपका उल्टा हो जाएगा बस, बाकी कुछ नहीं है। 6 × 2 = 60 और 3 × 3, 3 × 2 = 6 यानी कि 20 आ जाएगा आपका, कितना आंसर हो गया, 20 हो गया, 20 कहीं पर है, हाँ फोर्थ वाले ऑप्शन में है, क्लियर हो गया। इतने सिंपल प्रश्न आए थे, आप लोग जल्दी से लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं, 3 दर्जन चॉकलेट को कर लीजिएगा 12 × 36, है ना, 1 दर्जन में कितनी होती है, 12 होती हैं, और उसने इसका या उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया, 1/6 भाग रोहना को दे दिया, 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया, और उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची। चलो हम लोग कैसे करेंगे, मैंने 36 तो यहीं पर कर लिया है, मैंने आपको बता दिया, छोटा छोटा लिख लीजिए आप लोग। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर रवि के पास जो 3 दर्जन चॉकलेट हैं, 3 दर्जन का मीन्स होता है 36, ठीक है, कितनी है, 36 चॉकलेट होगी इसके पास। अब इसके पास देखिए उनका 1/3 भाग उसने अपने पड़ोसी को दे दिया, कितना, 1/3 भाग दे दिया उसने अपने पड़ोसी को। तो पहले में देखिएगा मैं इस तरह से कर लूँगा इसको, 1/3 भाग यानी कि 36 का 1/3 भाग दे दिया पड़ोसी को, सही है, और 1/6 भाग दे दिया रेहाना को 6वां भाग गाइज, तो इसको भी प्लस में कर लेंगे आप लोग, 36/6, सही है। अब देखिएगा 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया, इसमें प्लस कर लीजिएगा, 36/4 चौथाई भाग दे दिया। अब आपको बताना है कि उसके पास कितनी चॉकलेट बची, तो इससे जो ना बहुत आसानी से हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग काट लीजिएगा,
देखो 12 + 36 यानी कि यहाँ पर 12 बचेगा, और 6 × 36 6 बचेगा आपको यहाँ पर, और 4 × 6 ये बचेगा 24, सॉरी 9 × 36 9 × 36 सही है। तो कितना हो गया 12 × 6 = 9। अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27। अब 36 में से 27 को घटा दो, 36 में से 27 को हम लोगों ने घटाया साथियों, वो बचा आपका 9। इतना सिंपल प्रश्न था, बस देखो बहुत जल्दी हो गया ना। तो 9 कहाँ पर है, पहले ऑप्शन में है। क्लियर हो गया आपका आंसर? हाँ आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन इसी तरह से है आपका, अगला क्वेश्चन इसी तरह से है। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं और इन विद्यार्थियों को 2/3 लड़के हैं। कितने हैं इसमें, 2/3 लड़के हैं और लड़कों की संख्या का 1/3 3/4 खिलाड़ी हैं, और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया है बस, और कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है ये भी क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन हुआ था बस यही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कैसे करना, आपको स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि लिखने के लिए समय मिल सके। देखिएगा आप लोगों को करना क्या है कि 660 विद्यार्थी हैं, कितने 660 विद्यार्थी, और इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, 2/3 लड़के हैं चलिएगा, है ना, और लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं, 3/4। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2/3 निकालेंगे, यानी कि 660 विद्यार्थी हैं और इसमें से जो है ना कितने हैं, 2/3, 2/3, 2/3 हो गया। आप लोग इसको कर लीजिएगा, चाहे हम लोग काट कर देख लेंगे इसको, 3 × 6 3 × 6 0 हो गया, ये हो जाएगा 440, 440 यहाँ से निकल गया, सही है। अब दूसरा स्टेप देख लीजिएगा, दूसरे स्टेप में बोला गया है इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, ये तो आपका हो गया 2/3 लड़के, और लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं, 3/4 खिलाड़ी हैं। अब जो ये संख्या निकल कर आई थी 440, इसका निकालना हम लोगों को 3/4 × 3/4, ठीक है, इसको आप लोग काट लीजिएगा, ये कटेगा आपका 110 बार, 110 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा 330 हो जाएगा, सही है, 330 आ गया। उसके आगे पढ़िएगा, और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं, जो लड़कियों की संख्या है 1/4 खिलाड़ी हैं, सही है। विद्यालय में कुल लड़कों जो खिलाड़ी हैं उनकी संख्या बतानी है, तो पहले 440 आया था ना, पहले जो संख्या थी 660 थी, उसके बाद 440 आया, 440 का 3/4 निकाला, 330 आ गया। तो हम लोगों को डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, जो 660 है उसमें से 440 घटा देना है, पहले हम लोग घटाएंगे 440, 660 में से 440 को माइनस कर दीजिएगा, कितना बचेगा, 220 बचेगा, 220 यहाँ से हो गया, यह हो गई लड़कों की संख्या, जो विद्यालय में जो लड़के हैं ना, लड़कों की संख्या हो गई 220, सही है। अब जो खिलाड़ी लड़कियां हैं उनकी संख्या देख ली हम लोगों को, खिलाड़ी लड़कियां सही है, तो खिलाड़ी लड़कियां हैं उनको कैसे करेंगे हम लोग गाइज, जो 220 था उसका निकालना 1/4, यानी कि 4 से इसको काट दीजिएगा, 4 × 5 = 20 और 4 × 20 फिर से आएगा, सही है। तो कितना जाएगा यहाँ पर, 55 आ जाएगा, 55 हो गया। अब आपका, अब देखिए पहले कितना आया था, 330 भी हम लोगों ने निकाल कर रखा था, तो कुल जो हो जाएंगे 385 हो जाएंगे, 330 और 55 कितने होंगे, 385। अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो बता देना नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से समझा दूंगा ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना अपने कॉपी पर, और आंसर बताना आपको कमेंट सेक्शन में भी, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम है कि सोनू के पास 5 दर्जन ट्रॉफियाँ हैं, इनका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को, और 1/12 भाग अमिता को दे दिया। सोनू के पास जो ट्रॉफियाँ बची हैं कितनी बची हैं, ठीक है, मैं बताऊँ आपको ट्रिक कैसे कैसे करना, आपको जो 5 दर्जन है यानी कि 12×5 = 60 ट्रॉफियाँ हैं, 60 ट्रॉफियों का क्या करा हम लोगों ने, 1/3 भाग निकाल दिया पहले, ठीक है, फिर क्या निकाला हम लोगों ने, 60 का निकाला 2/5 भाग, सही है, फिर क्या निकाला हम लोगों ने, 60 का निकाला 1/12 भाग, सही है, कितना निकाला, 1/12 भाग। अब इसमें जितना जितना भी आएगा, देखो 3 × 6 यानी कि 30 यहाँ से आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा यहाँ से, 20 और ये 3 आपका 3 × 6 और 2 यानी कि 24 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आपका 12×5 = 60 आएगा आपका 5, यानी कि 20 24 5 आ जाएगा आपका,
तो हम लोग इनको ऐड कर लेंगे 20-24-5 को जोड़ लीजिए आप लोग 20-24-5 को। फिर हम लोगों को क्या करना है, जो आपकी 60 टोपियाँ थी उसमें से माइनस कर देना है, यानी कि 49 आएगा, यानी कि 11 बचेंगे हमारी। बस चुटकियों पे सवाल हो गया आपका, 11 दूसरा ऑप्शन सही था। इसके बाद देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए आपका लेसे पैक का था, ये भी आपका 2016 में पूछा गया था, 2016 में, सही है दोस्तों। इसको कैसे करना है, आपका जो 36, 54 और 60 है इसका निकाल लीजिएगा लेसे पे, ठीक है। लेसे पे आ जाएगा आपका 540। लेसे पे निकालना जानते होंगे। अब आपको करना है इसको 90 से भाग, 90 से भाग कर दीजिएगा इसको, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 चौक 36 और 9 छक 54 यानी कि 54 आ जाएगा, सही है। 6 आ जाएगा आपका, सॉरी 6 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 6 सही है। फटाक से आंसर निकल गया। अब चुटकियों में निकालना था, यानी कि जो पहली बार संख्या है ना सबसे छोटा या सबसे बड़ा सार्वगुणज पूछता है ना, तो हम लोग निकाल देते हैं इसका लेसे पे। बड़ा पूछे छोटा पूछेगा तो मैसे पे निकालेंगे, सबसे बड़ा पूछा है ना तो लेसे पे निकाल कर 90 से भाग दे दो, बस आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, कि एक दुकान में 229 खिलौने हैं, ध्यान रखना कितने हैं, 239 हैं और 70 खिलौने लाए गए, यानी कि प्लस कर दिए इन्होंने 70 इसमें, ठीक है 70 खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, माइनस 152 बचे हुए खिलौने की संख्या बताओ। तो 239, 70, 152 तीसरा ऑप्शन सही है, बस फटाक से लगा दिया आंसर आप लोगों ने। इसके बाद देखिएगा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है गाइज, हल्के मत लेना इसको, लाइक कर देना वीडियो पसंद आ रही हो तो। अब जो ये गुणा करनी है आपको संख्या की, इसके गुणनफल में दहाई और इकाई अंक का योगफल बताना है। ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है हम लोगों को, देखिएगा अगर आप लोग इनका गुणनफल निकालेंगे, पहले गुणा कर लीजिए आप लोग इनकी, ठीक है पहले इनकी आप लोग गुणा कर लेंगे फटाक से, फिर आप लोगों को गुणा करके क्या निकालना है, इसका दहाई का अंक और इकाई का अंक उनका योग कर देना बस, सही है योग कर देना बस, फटाक से हो जाएगा आपका आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उनसे अधिक होगा जब आप 176 से 3 से विभाजित करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, देखो क्या करना है, इसमें भाग का सवाल है ये, 176 को जो ना 176 को 3 से भाग दे दो, पहले 3 से भाग दे दो, सही है। अब इसका जो शेषफल आएगा 2 आएगा, इसका निकाल कर देख लेना आप लोग, ठीक है। और जो भागफल आएगा गाइस वो 58 आएगा, 58 सही है। और दोस्तों शेषफल कितना था, 2 था, भागफल कितना था, 58 था, ठीक। यह विकल्प से क्वेश्चन होगा आपका, विकल्प से यानी कि ऑब्जेक्ट्स मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका विकल्प से होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि ये वाली संख्या है इसको 567 से विभाजित किया जाए, देखो 567 567 567, ये क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान है क्योंकि आप लोग जैसे लिखेंगे ये वाला संख्या, मैं यहीं पर आपको बता दूँ, 567 लिखेंगे जैसे, तो एक बार आपका जाएगा कितना जाएगा, 567 एक बार गया, फिर हम लोग जीरो लगा लेंगे, ठीक है 6 उतार लेंगे, पहले 6 उतारा जीरो लगा लिया हम लोगों ने, 7 उतार लिया, सॉरी 5 बचा, 5 क्योंकि 5 उतारना ना पहले, 567 ना 5 उतार लिया, जीरो लगाया 6 उतार लिया, जीरो लगाया 7 उतार लिया, सही है। इस प्रकार से करेंगे, अब हम लोग एक बार जाएंगे 567, उसी प्रकार से सीरीज चलती रहेगी आपकी। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, वो रहेगा 100 101, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन। अगर आपको इस तरह से समझाया हुआ मैथ समझ में आ रहा हो तो बता देना, अगर इस तरह से समझाया हुआ मैथ समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर बता दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।